कहते हैं ये सोना उगलने वाला ज्वालामुखी कभी नहीं सोता। लावे की नदी की इस ज्वालामुखी से ना जाने कब से बह रही है। यहाँ सिर्फ दहकता लावा ही नहीं है, इस लावे के साथ धरती को फाड़ कर निकलता है गाढ़ा और मटमैला धुआं। यहाँ पहुँचने का मतलब है मौत, सिर्फ मौत। कोई भी समझदार इंसान इस मौत के ज्वालामुखी तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जब इंसान के दिलो दिमाग पर लालच हावी होता है तो वो पहुँच जाता है इस ज्वालामुखी के एकदम करीब। सोने से अपनी अपनी टोकरियों को भरने, सोने की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ। एक एक सिल्ली का वजन कई किलो में है। पीले सोने की इन सिल्लियों को देखकर किसी का भी मन ललचा सकता है, लेकिन इन्हें पाने के लिए इन्होंने लगाई है जान की बाजी। इस सोना उगलने वाले ज्वालामुखी पर एक ही कायदा चलता है, यहाँ अगर सोना पाना है तो अपनी जिंदगी से खेलना ही होगा। जीत गए तो मिलेगा सोना और हारे तो मिलेगी मौत। सदियों से सोना उगलने वाले इस ज्वालामुखी की यही कहानी है। सोना उगलने वाले दुनिया के इस सबसे हैरतअंगेज ज्वालामुखी का नाम है काजा। इंडोनेशिया के जावा के एकदम पूर्व में है काजा ज्वालामुखी। यहाँ पहुँचने के लिए है ओबड़ खाबड़ झाड़ियों से घिरा रास्ता। कुछ दूर तो यहाँ गाड़ी से जाया जा सकता है, लेकिन ये गाड़ी आपको ज्वालामुखी के एकदम करीब नहीं ले जा सकती, क्योंकि जिस जगह ये ज्वालामुखी है वहाँ गाड़ी तो क्या पैदल इंसान का पहुँचना भी नामुमकिन सा है। ऊंची दुर्गम पहाड़ी और सफेद चट्टानों के पीछे दहकता है काजा ज्वालामुखी। शायद ही कोई इंसान बिना किसी सहारे के इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ सकता है, लेकिन पीले चमकदार सोने का लालच जब जगता है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। सोना पाने के लिए लोग जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं, जरा सा पाव फिसला नहीं कि मौत तय है। कैसे निकाला जाता है येलो गोल्ड? पहाड़ी के उप ज्वालामुखी के करीब ढेर सारा पीला सोना है, लेकिन इस पीले सोने को पाने के लिए पड़ेगी औजारों की जरूरत और सोना वापस लाने के लिए चाहिए बड़ी बड़ी टोकरियाँ। लिहाजा पीला सोना बटोरने के लिए यहाँ आने वाले लोग बड़ी बड़ी टोकरियाँ लेकर सफेद पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ाई पूरी होते ही नजर आता है दहकता लावा, गाढ़ा मटमैला धुआं और महसूस होती है बेतहाशा गर्मी। ये संकेत है इस बात का कि सोने उगलने वाला काजा ज्वालामुखी आ चुका है। यहाँ लावे और धुएं के पीछे मौजूद है सैकड़ों टन पीला सोना। ये देखिए कैसे यहाँ पड़ी हुई है सोने की सिल्लियाँ, सोने का बुरादा। यहाँ जहाँ नजर घुमाओ वही दिखता है पीला सोना, जिसकी टोकरी में जितनी जगह है वो उतना सोना भर लेता है। टोकरियों में लोग कई कई किलो पीला सोना भर लेते हैं, मगर इस सोने को पहाड़ के नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कंधे पर पीले सोने के इस भारी बोझ को लादे लोग नीचे की ओर चल पड़ते हैं। मौत का दरवाजा कहलाता है काजा ज्वालामुखी। इंडोनेशिया का काजा ज्वालामुखी को दुनिया दो नामों से जानती है, पहला नाम है सोना उगलने वाला ज्वालामुखी और दूसरा नाम है मौत का ज्वालामुखी। सोना उगलने वाला ये ज्वालामुखी अब तक सैकड़ों जान ले चुका है। सोना पाने के लालच में लोग यहाँ आते हैं, कुछ तो सोना ले जाने में कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ हमेशा हमेशा के लिए यही मौत के आगोश में सो जाते हैं। क्या है सोने की हकीकत? सोना उगलने वाला ये ज्वालामुखी मौत का दरवाजा क्यों कहलाता है, ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए इस पीले सोने की हकीकत। ये पीले पीले पत्थर के टुकड़े सोने जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये सल्फा है। केमिस्ट्री की भाषा में इसे सल्फा कहा जाता है, लेकिन इस पूरे इलाके के लोग इसे येलो गोल्ड यानी पीले सोने के नाम से ही जानते हैं। दरअसल ये सोने जैसे पीला और चमकदार दिखने वाला सल्फा इन लोगों के लिए असली सोने से कम नहीं है। इस पीले सोने की कीमत क्या है? सल्फर यानी येलो गोल्ड ही इन लोगों के लिए इकलौती रोजी रोटी है। ये सल्फर बेहद काम की चीज है। पूरी दुनिया में इससे शुद्ध और असली सल्फर कहीं और नहीं मिलता। हर रोज यहाँ से करीब 10,000 किलो सल्फर रोज निकाला जाता है। येलो गोल्ड यानी सल्फर निकालने की यहाँ इतनी होड़ मची रहती है कि हर कोई एक बार में ही अपनी पूरी टोकरी भर लेना चाहता है। येलो गोल्ड यानी सल्फर से ये लोग रोज हजारों रुपये कमाते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है इनकी जान। हर साल सैकड़ों जाने जाती हैं। येलो गोल्ड के लालच में यहाँ पहुँचने वाले लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है ये मटमैला धुआं। इस धुएं में भरा हुआ है जहर। सिर्फ एक सांस लेते ही जहर के हजारों कण यहाँ मौजूद इंसान के फेफड़े में समा जाते हैं। ये लोग इतने गरीब हैं कि अपने लिए एक मास्क तक नहीं खरीद सकते। यहाँ पहुँचते ही आँखें जलने लगती हैं और कुछ समय बाद आँख, फेफड़े और शरीर के करीब करीब हर अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसी तरह ये ज्वालामुखी हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले लेता है। 50 साल पहले ज्वालामुखी ने मचाई थी तबाही। सारी दुनिया ने इस सोना उगलने वाले ज्वालामुखी के सबसे खतरनाक कहर 40 साल पहले 1970 में देखा था।
जब इस लावे से निकली टॉक्सिक गैस ने एक साथ एक ही पल में 27 मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया था। येलो गोल्ड के बोझ और इस जहरीले धुएं ने यहाँ काम करने वाले लोगों की जिंदगी आधी कर दी है। समय से पहले ही ये उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुँच गए हैं, लेकिन पीले सोने का लालच इन लोगों पर इस कदर हावी है कि ये जिंदगी से हर पल खिलवाड़ कर रहे हैं और सालों से सोना उगलने वाले इस ज्वालामुखी पर मौत का खेल बदस्तूर जारी है।